स्टूडेंट्स वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस एंड आई एम दीपेंद्र कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रेस्ट पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस वीडियो में मैं आपको जो पिछली वीडियो में रेस्ट जो केमिकल रिएक्शंस थी उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है दूसरा, थर्ड है आपका एक्सोथर्मिक एंड लास्ट है आपका एंडोथर्मिक। तो इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में चलते हैं, देखते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन में आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं, लर्न करने हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ये आपको लर्न रखना है। उसके बाद में दूसरा जो है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, ये दोनों आपके पॉइंट ऑक्सीडेशन के अलावा रिडक्शन में भी रहने हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो ये अगर आपका होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका कॉपर मेटल है, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं तो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैक क्यों हो जाता है ये भी आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पे कॉपर जो है ये ऑक्सीजन के साथ जब हीट किया जाता है तो ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हो जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हो जाता है तो ये आपका जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, तो जब ये कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो जो आपका कॉपर ऑक्साइड है ये आपका ब्लैक कलर सब्सटेंस है। ध्यान रखिएगा कॉपर पाउडर को जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो ये आपका एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर सॉरी ऑक्सीडेशन लिख गया है, ये आपका ऑक्सीजन होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक पॉइंट है जो कि आपको याद लर्न रखना है, सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ ध्यान रखिएगा जो आपका ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है उसे हम बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये जो सब्सटेंस होता है इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसमें रिमूवल ऑफ सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ये भी आपका एक ऑक्सीडेशन है देख सकते हैं, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड, इसका अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका एसिटिक एसिड देता है। इसमें देख सकते हैं इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में अगर कंपैरिजन करें तो केवल एक ऑक्सीजन का इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है बट यहाँ पे ऑक्सीजन आपका इंसर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, दैट्स मीन आपका ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है तो मैंने इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं ऑल मेटल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा जितने भी मेटल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स है या इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स है वो कौन कौन से हैं देख सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड सल्फर, इतने आपके होते हैं जो कि आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपको ये लर्न होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड है, देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्लोरोप्रोपीन, अगर इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर एक प्रोपीन बनता है जो कि आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका क्लोरीन है ठीक है ये भी यहाँ से रिमूव हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ से आपका रिमूव हुआ है, देख सकते हैं ये जो आपका CH3 था एज इट इज जैसा इधर है वैसा इधर भी
लिखा हुआ है। उसके बाद CH2 है, यहाँ पे CH है, ठीक है, ये वैसा नहीं, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ है, लूज हुआ है, और ये आपका CH2 जैसा था वैसा ही है। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका एक ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट आपका है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये जो दो आपके पॉइंट हैं रिडक्शन में, ये जस्ट अपोजिट हैं ऑक्सीडेशन थे से, तो आपके ये दो पॉइंट जो हैं ये लर्न करने में थोड़ा सा आसान रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जस्ट अपोजिट है उसका, आपको एक याद करना है, दूसरा अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं, एक एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, जैसे जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, भी आपने पढ़ा है कि वो ब्लैक कलर सब्सटेंस है, इसको अगर हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये फिर से अपना कलर जो है रिटेन कर लेता है, या यूँ कह सकते हैं फिर से ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन ऐड हुआ था पहले वो रिमूव हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो आपका एग्जाम्पल है रिडक्शन रिएक्शन का है, इसमें आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे आपने भी ऑक्सीडेशन में पढ़ा था, वैसे ही सेम वे में यहाँ पर भी एक पॉइंट है, अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है या फिर ऑक्सीजन लूज करता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो आपका रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, और उस सब्सटेंस को आप बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखिएगा। और लास्ट आपका एक एग्जाम्पल है इसमें, एसिटिक एसिड को अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर इसके साथ में ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे इथेनॉल यानी एल्कोहल देता है, ठीक है। ये जो आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मेंबर है या फिर कंपाउंड है, और जो इथेनॉल है ये आपका एल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है। ये एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये आप इसी क्लास में है नेक्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन की चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन इसमें हो गया है, और ये जो आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला है यहाँ पे देख सकते हैं वो भी हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो तो गया ही है, साथ में एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दोनों साइमल्टेनियसली हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में देखें, यहाँ पे जो अभी तक आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है उसी का कॉम्बिनेशन होता है, कैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप में हमने लिख रखा है, यहाँ पे रिडॉक्स इज इक्वल टू रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन है। और रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली विद इन द रिएक्शन होते हैं, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज नोन एज रिडॉक्स। और आपका ये फॉर्मूला जो है आपको हेल्प करेगा इसको डिफाइन करने में, तो इसे आप लर्न रखिएगा। देख सकते हैं इसमें रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हुआ है, मैंने इसको एरो से नोटेट भी किया है, कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये जो आपका प्रोसेस है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, ये आपका रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से H2O फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट्स मीन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो आपके रिएक्शन है, ये ओवरऑल जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन भी है, सॉरी, ठीक है, और ये आपका रिडक्शन भी है। तो दोनों अगर एट ए टाइम विद इन द रिएक्शन है तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे हमने कुछ मेंशन किया है जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, बताया था हमने अभी प्रीवियसली, इसको डिस्कस किया है कि जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जस्ट अपोजिट मैनर में मेंशन किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जांपल है ZnO + C गिव्स ZN + CO, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आपका इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो यहाँ रिडक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन है, दैट्स मीन ये ओवरऑल जो रिएक्शन है आपका ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका
MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका MnO2 है इसका ऑक्सीडेशन MnCl2 में हुआ है और जो HCl है इसका ऑक्सीडेशन Cl2 में हुआ। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये रिडक्शन कैसे है। देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 2 होती है और यहाँ पे 2 एटम है, तो टोटल आपका जो वैलेंसी का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका क्लोरीन है इसमें क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, यहाँ पर 2 एटम है, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ 4 वैलेंसी से 2 में आया है, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू जब वैलेंसी की कम होगी, यहाँ समझने के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं, तो हमेशा रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ से रिमूव हो जाए, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो होता है, जो नंबर पॉइंट होता है, व्यू होता है, वो आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, तो उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका रिडक्शन है, ये आपका ऑक्सीडेशन है, दोनों आपके एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर भी इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। और सेम वे में यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी मैंने मेंशन किए हैं, इन्हें भी आप अंडरस्टैंड करते चलिए। इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन में एक आपका टर्म आता है कोरोजन। कोरोजन जो होता है, देखने क्या होता है, कोई भी मेटल जब किसी भी सब्सटेंस द्वारा अटैक किया जाता है, जैसे आपका मॉइस्चर है, एसिड है, ठीक है, तो वो कोरोड हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा जैसे आयरन है, आयरन पे जो रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है उसे हम रस्ट बोलते हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कोरोजन बोलते हैं, यहाँ पे डिफाइन भी किया है हमने, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी हैं, देख लेते हैं। रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, ये आपका कोरोजन का एग्जांपल हो जाएगा। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर का जो रस्ट होता है वो ब्लैक होता है। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर, कॉपर का जो रस्ट है वो आपका ग्रीन होता है। यहाँ पे मेंशन भी किया है कि रस्ट ऑफ आयरन इनमें क्या क्या होता है, देख सकते हैं। इसमें 3 आपके केमिकल्स होते हैं, एक आपका है आयरन थर्ड ऑक्साइड और दूसरा है आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड। ये तीनों आप लर्न रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये चीज़ आपसे पूछी भी जा सकती है। एंड सेकेंड है आपका रस्ट ऑफ सिल्वर, तो रस्ट ऑफ सिल्वर का जो फॉर्मूला है वो आपका Ag2S होता है, सिल्वर सल्फाइड से बोलते हैं। एंड जो लास्ट है आपका रस्ट ऑफ कॉपर, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे आप लर्न रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछी जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टर्म है आपका रैंसिडिटी, ये भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड है। देखिए रैंसिडिटी जो होती है, कभी कभी क्या होता है, कुछ आपके फूड्स जो होते हैं जो फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग होते हैं वो आपके अनप्लीजेंट स्मेल आउट करते हैं, यानी कि बहुत अजीब सी उसमें स्मेल आती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये रैंसिडिटी बोला जाता है, यहाँ पे डिफाइन भी किया है, रैंसिडिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल इन फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। और ये आपका एक फिजिको केमिकल चेंज है, ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल प्रॉपर्टीज में फिजिको केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से ये जो अनप्लीजेंट ऑर्डर या टेस्ट एबनॉर्मल हो जाता है या कलर भी चेंज होता है। तो ये आपका फिजिको केमिकल चेंज होता है और ये रेंसिडिटी होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा और भी इसको डिस्कस करना चाहेंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी लर्न रखिएगा एज नॉलेज, दो टाइप का होता है ये। फर्स्ट आपका है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी एंड सेकेंड है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। आपने अभी जो ऊपर फैट्स एंड ऑयल्स की बात कर रहे थे तो आपको बता देना चाहेंगे कि हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। देखिए जो बटर होता है उसमें जो स्मेल आती है आफ्टर सम टाइम, तो उसे हम हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है, उसमें रिडक्शन के थ्रू ये आता है। बट जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है, ऑटो ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड्स का, इसकी वजह से उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आती है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा ताकि आपको लर्न रहें, जब आप रिवाइज करने बैठें तो आपको आसानी से मैटर मिल जाए। इसके बाद में अगर इसको रेंसिडिटी को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इसमें ऐड किए जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, स्लो कर देते हैं। जैसे आपका इसमें एंटीऑक्सीडेंट में BHA है, इसको बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल,
ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलवीन एक्सकॉर्बिक एसिड एंड टोकोफेरॉल। देखिए ये आपके विटामिन सी और ई भी आपके इसमें आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इनके स्ट्रक्चर्स, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलवीन, इनके स्ट्रक्चर भी लर्न रखिएगा। तो ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। अगर इनको हम फूड्स में मिलाते हैं तो जो फूड्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती हो। यहाँ पे लिखा भी है रिएक्शन विच इन्वॉल्व रिलीजिंग ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपका रिस्पिरेशन है, ठीक है, उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का कम्बशन होता है, जिससे एनर्जी बनती है। ठीक है, एनर्जी बनती है जो वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। दैट्स मीन आपका वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कम्बशन ऑफ फ्यूल है, किसी भी फ्यूल को आप जब बर्न करते हैं तो वो भी आपका हीट इवॉल्व करता है, तो वहाँ पर वो आपका जो रिएक्शन है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। यहाँ कह सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे रिक्वायर्ड होती है। जब तक उसे हीट नहीं मिलेगी तब तक वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन जो हैं आपके वो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोले जाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे पर डिजॉल्विंग सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर, जो आपका सोडियम थायोसल्फेट है इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। ये आपका Na2S2O3, इसको लर्न रखिएगा, ठीक है। ये आपका जब वाटर में ऐड किया जाता है तो वाटर जो आपका सोल्यूशन बनता है वो कूल हो जाता है, पहले से कूल हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन क्यों होता है? क्योंकि जो आपका टेम्परेचर होता है उस समय सोल्यूशन का, वो इन्वेस्ट हो जाता है रिएक्शन को होने में, यानी कि रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर होता है वो रिएक्शन जो है वो मटेरियल से टेम्परेचर ले रही थी, इसलिए उसका टेम्परेचर लो हो जाता है या डाउन हो जाता है। नेक्स्ट आपका इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन भी आपका कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आपका थर्ड पार्ट था, एंड लास्ट में भी आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसे आप सॉल्व करना है। और एक चीज़ और बता दें, इस वीडियो में आपको एक स्टैंडर्ड लेवल की, एडवांस लेवल की भी आंसर वर्कशीट मिलेगी, जिसे आप पूरे तीनों वीडियो अच्छे से वॉच करने के बाद में करने हैं आपको। तो आपका जो वर्कशीट है वो आपको पूरे वीडियो करने के बाद ही करना है, जो एडवांस लेवल का है।